नमस्कार भाई, नमस्कार। चलो करें स्टार्ट, है ना। तो कल हमने क्यूब टाइप के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज हम कलर कोडिंग पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस का कलर कोडिंग। फिर उसके बाद रेसिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो स्टार्ट करते हैं। कलर कोडिंग टॉपिक का नाम डालो, कलर कोडिंग। तो सबसे पहले तो कलर कोडिंग क्यों करते हैं और कौन से रेसिस्टेंसों की करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कलर कोडिंग सदैव कार्बन जो रेसिस्टेंस है, कार्बन प्रतिरोध है, कार्बन रेसिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं उनका कलर कोडिंग किया जाता है, सबका नहीं किया जाता है। कार्बन के जो प्रतिरोध बने होते हैं ना, उनका ही कलर कोडिंग किया जाता है। क्यों करते हैं वो भी समझ लो आप। देखो, मेरे पास मान लो एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, छोटा सा रेजिस्टेंस है। इन पे कलर कोडिंग कुछ ऐसे मिलती है आपको। इनको करने का कारण क्या था कि एक मान लो ये रेजिस्टेंस है आपका, ये रेजिस्टेंस, और हम इसका मान जो है मान लो ऐसे है 283 × 10^6 ±5%, इतना इसका रेजिस्टेंस दे रखा है मान लो, ठीक है। ये मान लो इसका प्रतिरोध है। तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस पर ये वैल्यू लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा यूनिट दे रखा है आपको, एक इतना सा रेजिस्टेंस होता है आपका, देखा होगा रेजिस्टेंस, हमने देखा है ना, बहुत छोटा यूनिट होता है, छोटी सी रेजिस्टेंस होता है, उसके ऊपर इतना बड़ा वैल्यू लिखना है आपको। तो वो वैल्यू लिखोगे तो लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लिखोगे तो इतना छोटा लिखेगा कि दिखेगा नहीं। आप रेटिंग आपने लिखी और दिखी नहीं, तो उसको लिखने से ना लिखने से कोई फायदा नहीं है भाई। हमारे पास हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होती है, हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जैसे पंखा खरीद के लाए आप, पंखा के ऊपर कितने वाट का है, कितना बोल्ट लेता है, ये सारी चीजें लिखी है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये सारी लिखी होती है आपकी, क्योंकि बहुत बड़ा है, कहीं पे भी लिख दो, चिपका दो, एक चिपका दो। लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे करोगे आप, बहुत छोटी यूनिट है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इतना मान लिख तो नहीं सकते, लेकिन इनको कोड के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके रूप में, मैंने एक कलर का ऐसे लाइन खींच दी, एक कलर की लाइन ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, कलर की लाइन खींची। अब कलर देख के हमको पता चल जाएगा ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। कलर को देख के पता करना है आपको कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको कलर के बारे में पता होना चाहिए, कलर के नंबर पता होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो जो भी छोटी यूनिट होती है उसके ऊपर कोडिंग की जाती है सदैव, क्योंकि उसके ऊपर मान लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कलर कोडिंग ऐसे ही मत समझना कि रेजिस्टेंस पे की जाती है, कैपेसिटर पे भी की जाती है। आप कहोगे सर कहाँ की जाती है, ये कैपेसिटर पे तो नहीं की जाती है, बड़ा कैपेसिटर है, इसके ऊपर नहीं करेंगे हम, लिख सकते हैं। एक छोटा सा कैपेसिटर आता है उसके ऊपर कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मान लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसके ऊपर आसानी से वैल्यू लिखी जा सके, उसकी रेटिंग लिखी जा सके, वहां पर कोडिंग करने की आवश्यकता है ही नहीं। कोडिंग तो आप वहां करोगे जहां पर वैल्यू लिखने में असमर्थ हो, जहां वैल्यू ही नहीं लिख सकते आप, तो वहां पर क्या है, कोड लिखने पड़ते हैं। कोड मतलब कलर के कोड बना देते हैं कि ये कलर लिख दिया तो इसका मान ये होगा, ये कलर है तो इसका मान ये होगा। तो कलर से ही आपको पहचानना होता है कि ये इतने ओम का प्रतिरोध है। बात समझ में आई क्या? कोडिंग कब करोगे, जब बहुत छोटी यूनिट है वहां पर उसकी रेटिंग लिखना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर क्या कर देते हैं, कोडिंग कर देते हैं। तो कोडिंग से ही आपको पहचानना होता है। तो कलर कोडिंग किसकी करेंगे, कार्बन रेजिस्टेंस की करेंगे, और ये रेजिस्टेंस बहुत छोटे होते हैं इसलिए कोडिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो टॉपिक डाल लो, इसमें एक लाइन लिख लो, कार्बन रेजिस्टेंस की ही कलर कोडिंग की जाती है।
कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी में देखते हैं। देखो यहां पर आप सीरियल नंबर लिख देते हैं हम लोग, सीरियल नंबर, और इधर कलर लिख देते हैं। अब सीरियल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहां से होते हैं? जीरो से स्टार्ट करने हैं। कहां से करने हैं? जीरो से। उसके बाद वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। ये मैंने क्या कर दिया? नंबर डाल दिए जीरो से लेके नौ तक, ठीक है। और यहां पर कलर में आपको कैसे याद रखना है? बी बी रॉय, बी बी रॉय, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद रखना है। ये क्रम है इसका, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये इसका याद करने का तरीका है। जैसे इंद्रधनुष के कलर याद करते हो ना, गिब की ओर से याद करते हो, है ना, ऐसे ही यहां पर याद करने का तरीका क्या होता है? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ से याद रखो। आप कर लोगे क्या? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद रखना है आपको, क्रम याद हो जाएगा आपको। अब यहां पर जो प्रॉब्लम आती है वो कौन करता है? या तो बीबी करती है, मतलब बी तीन आ रहे हैं इसमें, देखो एक दो तीन, या फिर आपको परेशान करता है जी, जी मतलब मैं, या तो टीचर परेशान करता है, गोपाल हो गया ना, या बीवी परेशान करती है। दो ही आदमी परेशान कर सकते हैं आपको अगर है तो या तो बीवी परेशान करेगी या जी परेशान करेगी, क्योंकि डबल जी है यहाँ पर, तो इनसे छुटकारा पाना है। बाकी का जो सिंपल है ना, सिंगल है, उनका तो आप सीधा लिख सकते हो। जैसे आर है तो आर तो क्या होगा आपका? रेड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? रेड हो गया, तो मैं यहां पर रेड लिख देता हूं। ओ सिंगल है, आप क्या लिख सकते हो इसको? ऑरेंज लिख सकते हो। वाई अकेला है तो येलो लिख दो। जी नहीं, वी, वॉयलेट, वी अकेला है तो वॉयलेट लिख दूं, और डब्ल्यू अकेला है तो व्हाइट लिख दिया। जो अकेला है उसमें परेशानी नहीं है, जो डबल है या ट्रिपल है उनमें परेशान होगा। आप देखो यहां पर बी तीन है, तो बी से छुटकारा कैसे पाना है? आप सबसे पहले देखो शरीर की बॉडी, सबसे ऊपर क्या है? बाल कैसे होते हैं? हम कहोगे सर वाइट भी होते, बुढ़ापे में होते, बुढ़ापे में पड़ते नहीं हो आप, है ना। तो ये तो हो गया आपका ब्लैक, हो गया क्या? हो गया ब्लैक, एक बी से छुटकारा मिल गया। अब देखो प्राथमिक कलर किस किस को पते हैं? प्राइमरी कलर, प्राथमिक कलर किस किस को पते हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? आर बी जी, आर बी जी होते हैं। हाँ एक ही बात है, तुमने उल्टा बोला। आर बी जी, एक तो रेड होता है, एक होता है आपका ब्लू, और एक होता है आपका ग्रीन। ये प्राथमिक कलर होते हैं हमारे, जितने भी कलर बनते हैं ना वो इनकी सहायता से बनते हैं। प्राथमिक कलर का मतलब तीन होते हैं प्राथमिक कलर, आर बी जी। आर बी डी की पासबुक पढ़ते थे, आर बी डी की पासबुक पढ़ते थे पहले, वहां से याद रख लो, डी की जगह पे बी लिख देना, आर बी जी, आर बी जी, ये प्राथमिक कलर है आपके। तो ये दो प्राथमिक कलर है ना वो एक साथ हैं, देखो बी और जी एक साथ कहां पर है आपके? देखो यहां पर बी और जी यहां पर है, तो ये तो हो जाएगा आपका ब्लू, क्या हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका? ग्रीन।
अरे ग्रीन है, ब्लू और ग्रीन है। अब हमारे पास सिंगल सिंगल बचा है, तो एक बी बचा है, तो ये तो हो गया ब्राउन, क्या हो गया आपका, और ये हो गया आपका ग्रे, ये कलर हो गया आपके। फर्स्ट ब्लैक, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट, ये टोटल 10 कलर हो गए आपके। कितने हो गए? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ से याद हो जाएगा आपको। अब देखो यहां पर भी आपको अगर थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो आप एक काम कर सकते हैं, इनमें से कुछ याद रख लो, आप सीधा याद रखो, क्योंकि जब बीबी रॉय लिखोगे ना तो एक आध वर्ड बीच में रह जाता है, स्टार्टिंग में रह जाता है, बाद में तो याद हो जाएगा। तो आप एक दो कलर को कंफर्म कर लो, क्या कर लो, जैसे एक तो इसको कलर को कंफर्म कर लो आप, येलो कर सकता हूं क्या? अरे वाई चार जैसा नहीं बनता क्या? चार वाई, अरे बन रहा है ना, वाई चार जैसा बनता है, ये तो चार मैंने वैसे बना दिया आपका, बाकी का चार ये ऐसे बनाते हैं, वाई भी ऐसा बनाते हैं, तो वाई चार जैसा बनता है, तो वाई का नंबर कितना होगा? चार होगा। येलो का नंबर कितना होता है? चार होता है, इसको भूलोगे नहीं कभी भी आप। अब ये याद होने का क्या फायदा रहेगा आपको, कि जब बीबी रॉय लिखोगे ना तो वाई चार नंबर पे ही आना चाहिए, वाई आपको कंफर्म पता है चार नंबर पे है, अगर चार पे नहीं आया मतलब आपने गलती की है, तो गलती पकड़ में आ जाएगी आपको। तो वाई कितने नंबर पे आएगा? चार नंबर पे आएगा। और क्या गलती करते हैं, देखो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते, एक से स्टार्ट कर देते हैं, कहां से कर देते हैं? अब जब एक से स्टार्ट करोगे ना तो वाई पांच नंबर पे पहुंच जाएगा अपने आप ही, आपको पता चलेगा यार वाई तो चार नंबर पे आता है, चार जैसा बनता है, तो आप उस गलती को पकड़ लोगे, फिर सोचोगे यार वन से नहीं जीरो से स्टार्ट होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, एक तो किसको याद रखना है, येलो, येलो मतलब वाई, वाई मतलब चार नंबर पे आता है, कितने पे आता है? एक और याद रख सकते हो, जैसे मैंने तो ब्लू याद रख रखा है, ब्लू में इस वाले पोर्शन को हटा दो तो छह जैसा दिखता है, बी बन रहा है ना, ऊपर वाले पोर्शन को हटा दो तो छह जैसा दिखता है, तो ब्लू छह नंबर पे आता है, तो दो याद रख लेते हैं हम लोग, तो उससे आपको जब बीबी रॉय लिखोगे ना तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। येलो याद हो गया चार नंबर पे, ब्लू याद हो गया छह नंबर, बी छह जैसा बनता है ऊपर का पोर्शन में, अगर ये थोड़ा सा यहां से कट कर दूं ना तो ये छह जैसा दिखेगा आपको, है ना, तो ब्लू छह नंबर पे आता है, तो दो कंफर्म याद रखो आप, तो जब आप लिखोगे ना तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी या कोई कलर छूटेगा नहीं आपका, अन्यथा छूट जाते हैं, नंबरिंग गलत हो जाती है, जीरो की बजाय एक से स्टार्ट कर देते हैं तो गलती होने की संभावना रहती है। तो कलर याद हो गया क्या आपको? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ से याद रख लेना, याद रख लोगे सब, एक दो बार लिखना याद हो जाएगा सब। अब देखो, अब इसमें रंग की अलग अलग पट्टियां होती हैं, रंग की पट्टियां अलग अलग होती हैं, किसी में आपकी तीन पट्टियां हो सकती हैं, चार पट्टियां हो सकती हैं, पांच पट्टियां हो सकती हैं, छह पट्टियां हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा सात पट्टी हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलती है आपको। मोस्टली आपका क्वेश्चन चार पट्टियों का मिलता है, मोस्टली कितने का मिलता है? चार का मिल सकता है, तीन का मिल सकता है, पांच का मिल सकता है, छह का क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है 2018 के पेपर में पूछा था कि छठा बैंड किसको प्रदर्शित करता है, तो टेम्परेचर कोफिशियंट को प्रदर्शित करता है, किसको करता है, बस वहां से इतना ही क्वेश्चन पूछता है आपसे, बाकी का मैं तो कंप्लीट कराऊंगा आपको, आपको चार बैंड तक तो पता ही होना चाहिए, पांचवें बैंड में कुछ है नहीं आपको, बस एक डिजिट बढ़ जाती है आपके, है ना। तो देखते हैं, तो मैं सबसे पहले कोई आपको तीन पट्टी या चार पट्टी का नहीं करा रहा हूं, एक कॉमन एक ये बना देता हूँ, सारणी बना देता हूँ, कॉमन सारणी, आप यूं मत सोचना मैं तीन के लिए पढ़ा रहा हूँ या चार के लिए पढ़ा रहा हूँ या पांच के लिए, किसी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, कॉमन एक टेबल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ। देखो इनका हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी लिख देता हूँ, ब्लैक को क्या बोलते हैं? काला। ब्राउन को क्या बोलते हैं? भूरा। रेड को क्या बोलते हैं? लाल। ऑरेंज को नारंगी कलर या संतरी कलर, है ना, ये लिख देता हूं। येलो को क्या बोलते हैं? पीला। ग्रीन को हरा। ब्लू को नीला कहेंगे। वॉयलेट को बैंगनी। ग्रे को सलेटी या धूसर, धूसर कलर बोल देते हैं, धूसर लिखा मिल जाता है कभी कभार,
आप कहोगे धूसर क्या होता है, तो धूसर क्या होता है आपका, ग्रे होता है ना, व्हाइट को सफेद, तो ये इनके नाम हो गए, हिंदी में नाम और अंग्रेजी में नाम दोनों याद हो गए होंगे आपको। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग फर्स्ट बैंड, फर्स्ट बैंड, फर्स्ट बैंड का मतलब होता है पहले रंग की पट्टी। अरे बैंड बनाते हो ना, तो पहले रंग की पट्टी को मैं फर्स्ट बैंड बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट बैंड। फर्स्ट बैंड में हमने क्या किया, लाइन खींच दी। उसके बाद होगा आपका सेकंड बैंड, सेकंड बैंड, कौन सा बैंड हो गया, सेकंड बैंड। उसके बाद हो गया आपका थर्ड बैंड, थर्ड बैंड। उसके बाद फोर्थ बैंड, उसके बाद मैंने लिखा फोर्थ बैंड, उसके बाद मैंने लिखा फिफ्थ बैंड, ये हटा देता हूँ ना। ये हटा दूँ ना, फिफ्थ बैंड क्या कर दिया, फिफ्थ ये लिखा मैंने, सिक्स्थ बैंड, ठीक है ये बना दिया मैंने, टेबल बना दी, छह बैंड तक की बना दी। सातवा भी बना सकता हूं वेरिएशन वाला, चलो बना लो सात, सेवंथ बैंड। इससे ज्यादा बैंड आपके होते नहीं है, लास्ट ये बैंड हो सकते हैं आपके। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, किसको करेगा, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, मतलब इसमें आपको डिजिट ही लिखनी है, डिजिट का मतलब आपको संख्या ही लिखनी है, संख्या मतलब जीरो से स्टार्ट करनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये डिजिट कंप्लीट हो गई। सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब यहां पर भी डिजिट लिखनी है, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। थर्ड बैंड पे भी यहां पे डिजिट लिखनी है आपको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फोर्थ बैंड यहां पर जो दिखाएगा वो गुणांक को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, ये तो डिजिट है, ये क्या है आपकी, डिजिट है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये तो हो गया आपका फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट दिख रहा है क्या, ये हो गया आपका सेकंड डिजिट, ये हो गया आपका थर्ड डिजिट, डिजिट मतलब संख्या। कलर दूसरा देख लेते हैं, ये लिख लेते। फोर्थ बैंड दिखाएगा आपका टोलरेंस को, टोलरेंस, टोलरेंस यानी सुग्राह्यता को दिखाएगा। फिफ्थ बैंड आपको, नहीं गलत लिख दिया, ये टोलरेंस को नहीं दिखाएगा, ये तो मल्टीप्लायर को दिखाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये दिखाएगा मल्टीप्लायर को, मल्टीप्लायर। फिफ्थ बैंड दिखाएगा आपका टोलरेंस को, ये दिखाएगा आपका टेम्परेचर कोफिशियंट को, टेम्परेचर कोफिशियंट को। और सातवां बैंड दिखाएगा आपका किसको, वेरिएशन को,
वेरिएशन को देखेगा, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को, थर्ड बैंड थर्ड डिजिट को, संख्या लिखनी है सीधी। उसके बाद फोर्थ बैंड गुणांक को रिप्रेजेंट करेगा, किसको करेगा, यहां पर कैसे लिखना है वो समझो आप। यहां पर क्या लिखना है आपको, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर, जो गुणांक होता है ना मल्टीप्लायर, उसको 10 की पावर में लिखना है। 0 नंबर है तो 10 की पावर 0, 1 नंबर है तो 10 की पावर 1, जो नंबर है ना वो 10 की पावर में लिखने। अब 10 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, इसको किलो बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कभी कभार किलो लिखा मिल जाता है, इसको मेगा बोल देते हैं और इसको गीगा बोल देते हैं, ठीक है, कभी कभार मेगा गीगा या किलो लिखा मिल जाता है, 10 की पावर 3 को किलो लिख देते हैं। अब आते हैं किस पर, टोलरेंस पर, पांचवें बैंड की बात कर रहा हूं, ये टोलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब पांचवें बैंड में आपका देखो, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आपका, छोटा हो जाएगा क्या, देखो एक सेकंड, हाथ से हो जाएगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। अब देखो जो टोलरेंस वाला जो बैंड है, इसमें कौन कौन से कलर मिल सकते हैं आपके वो समझो। पांचवें बैंड में यानी टोलरेंस वाला जो बैंड है उसमें मोस्टली 3 कलर मिलते हैं आपको, या तो मिलता है आपको गोल्ड, या मिलता है आपको सिल्वर, या मिलता है आपको नो कलर। टोलरेंस वाले बैंड में 99% बता रहा हूं मैं आपको, 1% और भी मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन 99% जो कलर मिलते हैं टोलरेंस वाले बैंड में वो गोल्ड मिलता है या सिल्वर मिलता है या नो कलर मिलता है। अगर गोल्ड मिलता है तो टोलरेंस के रूप में आप जो लोगे वो प्लस माइनस 5% लोगे। सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, अगर टोलरेंस वाला बैंड आपका गोल्ड है तो बताओ कितना परसेंट टोलरेंस लेना पड़ेगा आपको, तो आप कहोगे सर 5% लोगे, कितना लोगे, अगर सिल्वर है तो कितना परसेंट लोगे, 10% प्लस माइनस 10%, और नो कलर है तो टोलरेंस कितना आएगा, आप कहोगे सर प्लस माइनस 20% आएगा। टोलरेंस में मोस्टली या तो गोल्ड कलर मिलता है या सिल्वर कलर मिलता है या नो कलर मिलता है, अगर गोल्ड मिलता है तो कितना परसेंट लोगे टोलरेंस, 5% प्लस माइनस 5%, अगर आपका सिल्वर मिलता है तो प्लस माइनस 10%, नो कलर मिलता है तो प्लस माइनस 20%, ठीक है। आगे देखो, अगर इनके अलावा कलर मिलते हैं तो आप कहोगे सर देखो ब्लैक मिले तो ब्लैक तो 0 नंबर पे है तो ये तो मिलेगा नहीं आपका, ये तो खाली छोड़ देता हूं मैं। अगर आपका ब्राउन मिलता है तो प्लस माइनस 1% ले लो, कितना ले लो, 1 नंबर है तो 1% ले लो, 2 नंबर है तो 2% ले लो, 3 नंबर है तो 3% ले लो, 4 नंबर है तो 4% ले लो। अब आता है 5 नंबर पे, अगर मान लो ये 5वें नंबर का ये ग्रीन मिल गया आपको
आपको कहोगे सर 5%, नहीं 5% तो ले चुके हो आप, तो दो में तो आ नहीं सकता, तो क्या लेना पड़ेगा 0.5% प्लस माइनस है, कितना लेना पड़ेगा प्लस माइनस है 0.5%। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर ब्लू मिल गया तो कितना लोगे, पॉइंट कितना लोगे, प्लस माइनस 0.25%। आगे मिला आपको मान लो वॉयलेट कलर मिला, कितना मिला तो कितना लोगे, प्लस माइनस 0.1%, 0.1%। आगे देखो ग्रे मिला तो कितना लोगे, प्लस माइनस 0.05%, इतना लोगे, इसमें कुछ लेना नहीं है व्हाइट में, इसको खाली छोड़ देना है। कैसे याद रखोगे कि सर एक नंबर है तो एक तो याद रह जाएगा, दो नंबर है तो दो रह जाएगा याद, तीन नंबर है तो तीन रह जाएगा, चार है तो चार नंबर, अब पांच नंबर है तो 5% ले नहीं सकते क्योंकि 5% किसका है, गोल्ड का है, तो पांच नंबर है तो 0.5 कर दो आप, कितना कर दो, यानी 1/2 लेना होता है, कितना लेना होता है 1/2 का मतलब 0.5, उसके बाद 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, 1/2, 1/4, 1/10, 1/20, और 1/10 मतलब 0.1, और 1/20 मतलब 0.05, 1/2, 1/4, 1/10, 1/20, ऐसे याद रखना होता है, याद रखोगे हो जाएगा याद। टॉलरेंस के लिए मोस्टली या तो आपको गोल्ड सिल्वर मिलेगा, मोस्टली तो यही मिलता है, फिर भी मान लो ना मिले तो, क्योंकि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है वो टॉलरेंस से ही डिसाइड हो जाता है लगभग। चार पांच ऑप्शन दे रखे हैं आपको मान लो क्वेश्चन में, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट दोगे आप, टॉलरेंस से ही काट दोगे। मान लो गोल्ड कलर मिल गया तो टॉलरेंस 5%, 10%, 5%, 10%, ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके, तो 10% वाला तो अपने आप ही कट गया अगर गोल्ड कलर दे रखा है तो, क्योंकि गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है 5%, ऑप्शन बचे दो, फिर उसके बाद दो ऑप्शन ही चेक करने हैं आपको, तो आधी सी प्रॉब्लम तो आपकी टॉलरेंस ही सॉल्व कर देता है, कहीं कहीं पर पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता है, एक ही देगा बस 5%, 10%, 20%, ऐसे ऑप्शन दे दिया, नन ऑफ दी अबव, अब आपको कुछ देखना ही नहीं है, आप बस क्या देखना है 5% वाला देखना होता, तो बहुत सारी समस्याएं आपका टॉलरेंस से खत्म हो जाती है। अब आ जाओ आप, छठा बैंड किसको प्रदर्शित करता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तापमान गुणांक को प्रदर्शित करता है, और तापमान गुणांक की यहां जो यूनिट होती है वो होती है PPM पर डिग्री सेल्सियस, क्या होती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की यूनिट लिखेंगे यहां पर PPM पर डिग्री सेल्सियस, तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आपकी PPM पर डिग्री सेल्सियस, या पर केल्विन में भी मिल जाता है, पर डिग्री सेल्सियस में मिल जाता है या पर केल्विन में मिल जाता है, एक ही बात है, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन भी और डिग्री सेल्सियस भी। अब PPM क्या होता है, PPM होता पार्ट पर मिलियन, PPM की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट पर मिलियन, मिलियन समझते हो ना, 10 लाख, और बिलियन कितना होगा, मिलियनियर, बिलियनियर, लखपति, अरबपति, अच्छा 100 लाख का मतलब तो 1 करोड़ ही होता है भाई, है ना, तो मिलियन होता है 10 लाख, कितना होता है 10 लाख, 10^6, और बिलियनियर होता है 10^9, कितना होता है 10^9, से याद रख लेना आप लोग, है ना, तो 10^9 कितना होता है आप निकाल सकते हो, शायद कितना होगा, अरब होगा क्या, अरबपति बन गया आप, बिलियनियर बन गया, तो ना, तो PPM मतलब पार्ट पर मिलियन होता है, पर केल्विन में ले लेते हैं या पर डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं। आगे देखो यहां पर टेम्परेचर कोफिशियंट होगा कितना, टेम्परेचर कोफिशियंट कितना होगा ये याद रख लो, नहीं तो आपसे तो अभी तक कितना ही पूछा हुआ है कि छठा बैंड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो छठा बैंड किसको रिप्रेजेंट करता है, तापमान गुणांक को रिप्रेजेंट करता है, इतना पूछा हुआ है अभी, आगे पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते हैं आपके, 2018 के पेपर में क्या पूछा था कि कलर कोडिंग में छठा बैंड किसको प्रदर्शित करता है, तो किसको करता है,
तापमान गुणांक या टेम्परेचर कोफिशियंट को प्रदर्शित करता है। अब टेम्परेचर कोफिशियंट किसका कितना होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा नंबर है? ब्लैक। ब्लैक का कितना होगा? 250 ppm पर डिग्री सेल्सियस। मैंने ऊपर यूनिट लिख दिया ना, कितना होगा? 250 होगा। ब्लैक का कितना होगा? 250 के बाद आता है 100। कितना आता है? 100 के बाद आता है, और 50 के बाद कितना आता है? 50 के बाद 25 नहीं आता है। 50 के बाद कितना आएगा? 25 नहीं आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा? 15। 15 के बाद, 15 के बाद कितना आएगा? 20। 20 के बाद कितना आएगा? 10। 10 के बाद कितना आएगा? 5। और 5 के बाद गड़बड़ करवा दिया आपने मामला। देखो इधर दोबारा से देखो, यहां 20 नहीं आएगा, 25 ही आएगा, फिर 20 आएगा। हाँ देखो, यहां से यहां आएगा 25, फिर आएगा आपका 20, 20 के बाद 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 1, इस पे कुछ नहीं आएगा ना। देखो कैसे याद रखोगे, समझ लो। सबसे पहले 250, 250 के बाद 100, 100 के बाद 50 हो गया। अब 50 के बाद 25 नहीं आएगा, 15 आएगा, फिर 25 आएगा। 50 के बाद 25 नहीं आएगा, 15 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 1। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, 50 के बाद 25 लिख देते, 25 नहीं लिखे, कितने कह रहे हो? होता है, फिक्स होता है इनका, हम इनमें चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यू फिक्स है, आपको याद रखनी पड़ती है, ये निकालने का कोई तरीका ही नहीं है, आपको फिक्स वैल्यू याद रखनी पड़ती है। आपसे पूछ लिया कि ब्लैक का जो टेम्परेचर कोफिशियंट है वो कितना होता है, तो 250 है तो 250 है, निकाल लिया एक बार, बस याद रखना पड़ेगा आपको। आपसे पूछे कि ब्राउन का कितना है, तो 100 है, रेड का कितना है, तो 50 है, ऐसे याद रखना पड़ता है आपको, है ना। ये वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वेरिएशन आप कैसे लोगे? 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, 0. ये आपको याद रखने की ऐसी आवश्यकता है नहीं, जीरो बढ़ती जाएंगे आपके ना, ऐसे आपकी चलती रहती है, ठीक है। यहां कुछ ठीक है, तो वेरिएशन को दिखाता है सातवां बैंड, बस इतना याद रख लो और काफी है। मैन आपको छठे बैंड तक याद रखना होता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है आपको। तो दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहली प्राथमिकता तो कलर के नंबर याद रखना होता है। क्या रखना होता है? कलर के नंबर याद रखना है। तो सीरियल नंबर 0 से लेके स्टार्ट होती है, 9 तक खत्म होती है, 0 से लेके 9 तक लिखना है। और कलर आपको बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ से याद रखना है। किसे याद रखना है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। फर्स्ट कलर आपका ब्लैक हो गया, फिर ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट, ऐसे याद हो जाएगा आपको। उसके बाद फर्स्ट बैंड पे मैंने डिजिट लिखा है, बस 0 से लेकर 9 तक लिखा है। दूसरे बैंड पे भी क्या लिखा है? डिजिट लिखा है। तीसरे बैंड पे भी डिजिट लिखा है। चौथे बैंड पे जाके मैंने मल्टीप्लायर लिखा है, और मल्टीप्लायर में भी कोई कुछ याद नहीं रखना है, 10 की पावर में लिखना है, 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 9 तक लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है टोलरेंस। क्या आता है? टोलरेंस आता है। अब टोलरेंस जब आता है ना, तो आपको ध्यान रखना है जहां टोलरेंस वाला बैंड है, कोई जरूरी नहीं है पांचवें नंबर पे ही आए, कोई जरूरी नहीं है पांचवें नंबर पे ही आए। मैंने तो कंप्लीट टेबल बनाई है आपको। अगर चार बैंड का ही होता कलर कोडिंग, तो लास्ट वाला जो बैंड है ना वो टोलरेंस होता, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला नहीं, लास्ट वाला। जैसे चार बैंड का है कलर कोडिंग है, तो लास्ट वाला क्या होगा? टोलरेंस। उससे पहले वाला क्या होगा? मल्टीप्लायर होगा। अरे मल्टीप्लायर होगा, उससे पहली वाली डिजिट होंगी। अगर पांच बैंड का है तो पांचवा टोलरेंस होगा, उससे पहले वाला क्या होगा? मल्टीप्लायर होगा, बाकी की डिजिट होंगी। पांच बैंड तक ही होते हैं, उसके बाद तो छठा बैंड टेम्परेचर कोफिशिएंट आ जाता है, सातवां बैंड वेरिएशन आ जाता है। तो पांच बैंड लास्ट हो सकते हैं, मतलब टोलरेंस लास्ट में पांच बैंड, पांच कोड दे रखे तो आपको पांचवा नंबर टोलरेंस होगा। चार बैंड का दे रखा है तो चौथे नंबर का ही टोलरेंस हो जाएगा, डिजिट कम हो जाएंगी आपकी। एग्जाम्पल लूंगा मैं अभी, वहां से और समझ में आ जाएगा।
तो यहां पर जो टोलरेंस है वो मोस्टली आपको गोल्ड कलर का याद रखना है, सिल्वर कलर का याद रखना है, नो कलर का याद रखना है, मोस्टली तो ये आता है आपको। सर गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, नो कलर के लिए 20%। उसके बाद एक नंबर है तो 1% दे देना, दो नंबर है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार दे देना। फिर उसके बाद पांच में परेशानी आती है तो 0.5, फिर उसके बाद 0.25, 0.1 और 0.05% इसका टोलरेंस हो जाएगा। टेम्परेचर कोफिशियंट, छठा बैंड टेम्परेचर कोफिशियंट को दिखाएगा, 250, 100, 50, 50 के बाद 25 नहीं आएगा, कितना आएगा 15, 15 के बाद फिर 25 आएगा, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 1, ऐसे याद रखना। क्लियर है सबको? वेरिएशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सातवां बैंड वेरिएशन को दिखाता है, इतना याद रख लेना बस, बहुत है। बाकी का याद भी रखोगे तो उसमें कुछ है नहीं, 0.1 0.01 बढ़ाते जाओ आप, है ना। तो ये कंप्लीट टेबल हो गई आपकी कलर कोडिंग की, याद हो गई क्या? इसको एक बार लिखो, याद हो जाएगा आपको, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं इसके। अगर वेरिएशन मतलब कितना बदलाव हो रहा है उसमें, है ना। टोलरेंस का मतलब इसको बोलते तो, टोलरेंस को सहनशीलता बोलते हैं तुम्हारी भाषा में, तो सहनशीलता है ना, सहनशीलता। और मल्टीप्लायर को गुणांक बोलते हैं, है ना। मैं लिखा दूंगा हिंदी में, अभी तो मैंने एक टेबल बनवा दी, इसमें सब कुछ लिखा नहीं जाएगा, है ना।